हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो अकेडमी में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से मित्र नोट्स बना रहे होंगे। मित्र, ये क्लास आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगी, ये कहने की बात नहीं है। आप क्लास अगर पूरी देखते हैं, वीडियो की पूरा देखते हैं, तो आपको वाकई में लगेगा कितना कितना डिटेल में हम कितना डीप पढ़ाए हैं। और आपका आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर यहां से फंसाएंगे आज के टॉपिक से। मित्र, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है मित्र, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीख लिया था, समास के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़े हैं, क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द कितने प्रकार होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सार्थक इकाई कौन सी है, इत्यादि के बारे में हम लोग एकदम गहन अध्ययन करेंगे आज के इस वीडियो में। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, अगर आप टाइम देते हैं मित्र, तो आज के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं हम लोग भाषा शब्द। आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत आज पहले पॉइंट लिखिए, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की और मित्र नोट्स आप जरूर बनाइएगा। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई कौन सी है, इकाई कौन सी है, तो क्या बताएंगे दोस्त, शब्द बताएंगे। क्लियर बात। दूसरे पॉइंट पे लिखिए आप, भाषा की सार्थक इकाई तो क्या बताएंगे दोस्त, आप क्या बताएंगे, शब्द बताएंगे। भाषा की सार्थक इकाई क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछता है, तो क्या बताएंगे आप दोस्त, वर्ण बताएंगे। अगर वर्ण नहीं है दोस्त तो क्या बताएंगे, ध्वनि बताएंगे। क्लियर हुआ इतनी बात। आपको पूछते हैं अर्थ की दृष्टि से या भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम या जो है सार्थक इकाई कौन सी होती है दोस्त, तो क्या आप बताएंगे, आप शब्द बताएंगे। अगर हम पूछते हैं भाषा की इकाई सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तब जाके आप वर्ण बताएंगे। अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं रहता तो आप ध्वनि बताएंगे। ठीक है दोस्त, इतनी क्लियर हुआ बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है दोस्त, अक्षर होता है। और अक्षर का अर्थ क्या होता है दोस्त, अनाशवान होता है। मतलब क्या हुआ, जिसका कभी विनाश ना हो, जो कभी खत्म ना हो। ठीक है, इतनी बात दोस्त क्लियर हुई। अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आप पॉइंट को एकदम क्लियर तरीके से समझिएगा दोस्त। इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे क्या है, इकाई क्या है, इकाई जो होता है इसकी, इकाई को आते हैं, इकाई क्या है, पहला ध्वनि या वर्ण क्लियर हुआ। इसके बाद शब्द हुआ, कर्म है दोस्त, शब्द के बाद पद हुआ, पद के बाद क्या, वाक्यांश, इसके बाद दोस्त क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। ठीक है, इतना आप नोट डाउन करिए, एकदम बेहतरीन तरीके से आप नोट डाउन करिए इसे दोस्त। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं और आगे। ठीक है,
इसके आगे आप परिभाषा लिखते हैं, शब्द की परिभाषा लिखिए दोस्त, शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा लिखिए आप, परिभाषा, शब्द की परिभाषा किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द या ध्वनि को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है दोस्त? शब्द कहा जाता है। क्लियर हुआ इतना दोस्त? दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं, अक्षर या अक्षरों के मेल से बने सार्थक स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। बात इतना क्लियर हुई? इतना पॉइंट मित्र, आपका जो अभी तक आपका कंफ्यूजन बना है सब क्लियर हो गया। आप बस बातों को ध्यान में रखिएगा, भाषा की सार्थक बोलता है, सा से सार्थक, सा से शब्द होता है। इसी तरीके से आप देख लीजिए भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है दोस्त? शब्द होती है। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई बोलते हैं तो क्या होगी? वर्ड होगी। या भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? वर्ड होगी। ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है दोस्त, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। ठीक है दोस्त, इसके बाद इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्त? तो शब्द के चार भेद होते हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। शब्द कितने? ये पहला हो गया, दूसरा उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर दोस्त, चौथा जो है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए देखते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं दोस्त? शब्द के चार भेद होते हैं। अब लिखिए शब्द के चार भेद होते हैं। क्लियर हुआ इतना बात दोस्त? अब आइए लिखते हैं कौन कौन है। पहला लिखिए व्युत्पत्ति या रचना के आधार, व्युत्पत्ति पहला लिखिए दोस्त, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर पहला हो गया। ठीक है दोस्त, दूसरा पॉइंट लिखिए आप उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर। ठीक है, तीसरा कौन सा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर। और चौथा नंबर आ जाएगा दोस्त, चौथा यहां लिख लीजिए, चौथा आएगा अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द के भेद, और चौपा एक और अलग से लिख लीजिए पॉइंट डाल करके। हाँ,
शब्द शक्ति के आधार पर, शब्द शक्ति के आधार आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। ठीक है दोस्त, और पॉइंट लिखिए, विकार के आधार पर, विकार के अनुसार शब्द के भेद, और दूसरा अविकार के आधार पर। इतना बात क्लियर हुई दोस्त। अब उत्पत्ति या रचना के आधार पर आते हैं तो कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के भेद पूछता है तो आप क्या बताएंगे? आप तीन बताएंगे। तीन कौन कौन से हैं दोस्त? एक हो गया रूढ़, दूसरा होगा एक रूढ़, और तीसरा दोस्त आ जाएगा यौगिक। रूढ़ उसे कहा जाता है जिसका खंड से, जिसका खंड ना हो, खंड करने पर उसका अर्थ जो है सार्थक ना हो, जैसे पशु हो गया। यौगिक उसे कहा जाता है जिसका खंड हो, खंड किया जा सकता है उसे यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ उसे कहते हैं जिसका खंड किया जा सकता है लेकिन कोई उसका तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्त, क्लियर हुआ? इसको हम लोग पढ़ेंगे अगली की क्लास में, इसे धीरे धीरे कवर करेंगे। इसके बाद उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे दोस्त? आप जो है बताएंगे चार प्रकार के होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला तत्सम, दूसरा भेद तद्भव, तीसरा आ जाएगा दोस्त देसी या देशज, देशज, चौथा आ जाएगा दोस्त विदेशज। तत्सम शब्द उसे कहा जाता है जो संस्कृत भाषा का हो, और तद्भव उसे कहा जाता है जो संस्कृत से उत्पन्न हुआ हो उसे तद्भव कहते हैं। देशज उसे कहते हैं देश जा, मतलब अपने देश में जो जन्म लिया है उसे क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज शब्द उसे कहा जाता है जो विदेश से आए हुए हैं, हमारे यहाँ बोले जाते हैं उसे विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं, देशज को देशी शब्द कहते हैं। तो शब्द उत्पत्ति उद्गम के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यता पूछता है आप क्या बताएंगे? मुख्यता पूछता है तो आप क्या बताएंगे? पांच बताएंगे। बात इतना क्लियर हुई दोस्त। इसके बाद आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, तो कितना बताएंगे? दो बताएंगे। दो कौन कौन होते हैं? एक विकारी होता है, विकारी शब्द उसे कहा जाता है जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता है, और दूसरा क्या हो? अविकारी शब्द जिसमें लिंग वचन के कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। इतना बात क्लियर हुई दोस्त। इसके बाद हम आते हैं विकारी शब्द के जो होता है, विकारी शब्द के अनुसार अगर पूछता है विकारी शब्द के अनुसार कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? चार भेद होते हैं। इसका चार भेद हम लिखते हैं, चार कौन कौन है? एक होगा, दो, तीन और चार। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम आते हैं अविकारी के अनुसार जो होता है शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? चार बताएंगे, दो, तीन और चार। इतना बात क्लियर हुई। अब आते हैं विकारी के अनुसार जो होता है चार कौन कौन होते हैं दोस्त? पहला क्या आ जाएगा? आपका संज्ञा, संज्ञा। दूसरा क्या आ जाएगा? संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और जो है क्रिया हो जाएगा। विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के अनुसार जो होता है शब्द के भेद कितने होते हैं पूछता है तो आप क्या बताएंगे? चार बताएंगे। अविकारी के अनुसार पूछता है तो आप क्या बताएंगे? चार बताएंगे। कौन कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विशेषण अव्यय। दूसरा क्या हो जाएगा? संबंध, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा क्या हो जाएगा दोस्त? समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। इतनी बात क्लियर हुई। पांचवा क्या हो जाएगा दोस्त? विस्म्यादि बोधक अव्यय, विस्म्यादि बोधक अव्यय। इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब आते हैं संज्ञा के कितने भेद पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे?
पांच पूछा, अगर ऐसे पूछा जाता है नॉर्मल तो पांच होता है, अगर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार पूछा जाता तो आप क्या बताएंगे? तीन बताएंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? छह भेद बताएंगे। इसके बाद विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्त, आप क्या बताएंगे? चार बताएंगे। इसके बाद क्रिया के कितने भेद होते हैं, आप क्या बताएंगे? दो बताएंगे। इसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय के भेद पूछता है तो आप क्या बताएंगे? चार बताएंगे। इसके बाद संबंध बोधक जो होता है पूछता है कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? तेरह बताएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय पूछता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो दो बताएंगे। कौन कौन होते हैं? समानिधिकरण और व्याधिकरण। समानिधिकरण अव्यय के कितने भेद होते हैं तो पांच होते हैं। व्याधिकरण अव्यय के पूछता है तो आप क्या बताएंगे? आप जो है चार बताएंगे। आइए विस्मयाद बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं तो क्या बताएंगे? आप सात बताएंगे। इतना फैक्ट क्लियर हुआ दोस्त। इसके बाद आते हैं अर्थ की दृष्टि से कितने होते हैं भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं तो आप क्या बताएंगे? दो बताएंगे। पहला क्या हो गया? सार्थक हो गया। दूसरा क्या हो गया? निरर्थक हो गया। ठीक। इसके बाद शब्द शक्ति के अनुसार जो है शब्द के भेद पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? आप तीन बताएंगे। पहला क्या हो गया? लक्षणा हो गया, समिधा हो गया और व्यंजना हो गया। बात क्लियर हुई? शब्द शक्ति के अनुसार तीन होते हैं, व्यंजना, लक्षणा और वाचक। ठीक है दोस्त। विकार के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं पूछता है तो क्या बताएंगे? चार बताएंगे। और जो होता अभिकारी जो है अभिकारी शब्द के अनुसार पूछता है, अभिकारी शब्द के कितने भेद होते हैं तो चार होते हैं। ये रहा पूरा का पूरा प्रोफार्मा। यहां से आपका एक क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा होती है, कौन किसके कितने भेद होते हैं, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है दोस्त। इसी तरीके से आप याद करिएगा, नोट्स बनाइएगा। इसके बाद हम जो है एक एक टॉपिक लेकर के कवर करेंगे। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे संज्ञा के बारे में, हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल। और एक अगर क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।